हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या बताया, क्या डॉक्टरों ने कहा लीवर में क्या हो गया था? डॉक्टर ने बताया कि इनके लीवर में स्वेलिंग हो गई है और जो लीवर के पास छोटी छोटी नाड़ियां हैं वो फट गई है। देखो एकदम से लीवर में स्वेलिंग सो जाए और जो लीवर के पास छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं वो फट गई हैं, जिसके कारण ब्लड की खून की उल्टी आ रही और अंदर खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े पीसेस आ रहे हैं। अब एक पॉइंट नोट, वो तो बोल रहे थे कि लीवर की, हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि नाड़ियां छोटी छोटी ब्रेक ब्रेक नाड़ियां होती वो फट गई। अब पॉइंट नोट, वो तो फट गई पर प्रार्थना के जरिए, उस गवाही को सुनने के जरिए वो जो फटी नाड़ियां हैं कैसे सही होंगी? जिस सिस्टर का नाम रेखा है और जो दिल्ली के रहने वाले हैं और जो इनके साथ हैं, इनके सासू माँ हैं और इनकी गवाही है और इनकी सासू माँ की गवाही जे बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिन रात के समय इनकी सासू माँ ने खाना खाया और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से जे सोए थे और अचानक से इनके पेट में दर्द शुरू हो गई और जब दर्द शुरू हुआ तो इनको खून की वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। पहले नॉर्मल थी और बाद में कुछ ही समय में बहुत ही ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो गया। ब्लड के जो बता रहे कि ब्लड में मांस के छोटे छोटे टुकड़े आने शुरू हो गए, पीसेस बहुत ही ज़्यादा। और जो बता रहे उससे समय रात के समय जो इनको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा इनको, और जो बता रहे कि जैसे जी हॉस्पिटल में गए तो जब डॉक्टर ने इनको चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो लीवर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और जो लीवर के पास छोटी छोटी नाड़ियाँ वो फट गई है, जिसके कारण इनका जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा। तो आप कहीं और हॉस्पिटल में इनको ले जाएं क्योंकि वहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं थी। और जैसे जो बता रहे कि जो फिर किसी और इन्होंने किसी और हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया तो जैसे ही इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अभी हम उस हॉस्पिटल की पिक देखेंगे जब जो बहुत ही इस प्रॉब्लम में थे। तो जैसे हमने देखा कि उस समय की जो पिक के जब जी हॉस्पिटल में थे इन्हें कोई भी होश नहीं थी, जी बहुत ही इस प्रॉब्लम में थे और इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड्स की वॉमिटिंग्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था इनका, बोटियाँ जैसे इनको वॉमिटिंग्स आ रही थी, पीसेस टुकड़े आ रहे थे। और जो बता रहे कि जिसके कारण इनकी फैमिली भी बहुत ही परेशान हो गई थी। और जैसे ही इनके जो जो इनकी बहू है और जो सिस्टर ने हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की और जैसे ही इन्होंने बात की तो इनको और भी परमेश्वर के बारे में बताया गया, उत्साहित किया गया। तो फिर इनके लिए जब प्रार्थना की गई तो जो इनकी वॉमिटिंग्स थी, खून की इनको उल्टियाँ आ रही थी और जैसे ही प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से अच्छा किया। तो इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि जो बहुत ही ज़्यादा इनका ब्लड जो था, वॉमिटिंग्स थी, बहुत ज़्यादा खून बह गया था। तो जो बता रहे कि परमेश्वर ने जैसे ही प्रार्थना की तो उस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि इनका काफ़ी खून बह गया तो उन्होंने 6 बॉटल्स खून की भी इनको लगाई और उस प्रॉब्लम से तो परमेश्वर ने इनको फ्री कर दिया था। और बाद में इनको जो प्रॉब्लम आ गई, इनका जो टॉयलेट पार्ट रहा है, इनको ब्लड आना शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो गया। जो बता रहे कि जो इन्हें डायपर लगा रहे थे वो भी खून से भर जाते थे, इतना ब्लड आ रहा था। और जिसके कारण जो बता रहे कि फिर से इन्होंने कॉल की टीम को और फिर से टीम ने जब इनको उत्साहित किया तो फिर इनके लिए प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से भी आज़ाद कर दिया। तो जो बता रहे कि जो विश्वास करते रहे, फिर धन्यवाद देते रहे। तो जो बता रहे कि डॉक्टर ने फिर इनको कहा कि जो इनके मदर हैं, सासू माँ हैं, उनके बॉडी यहाँ पे दोबारा से प्रेयर हुई थी जब डेपर जी वहाँ फिर से प्रेयर हुई थी। ठीक है, आगे। और जब प्रार्थना हो गई तो फिर उस प्रॉब्लम से भी खुदा ने इनको अच्छा किया।
तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई होश नहीं थी, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि इनको इनका एचपी टेस्ट करना होगा क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ब्लड जो है, जो कि इनके टॉयलेट पाटराई में बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया था, बहुत ही ज़्यादा था। तो जैसे ही जब इनका एचपी टेस्ट किया तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट इनको बताई तो उसमें जो इनका एचपी था वो 3.6 था, 3 ग्राम 6। और जो बता रहे कि 3.6 था, अभी हम उस रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो बॉडी में खून है, एचपी बहुत ही कम है, जिसके कारण इनकी बॉडी में बहुत ही वीकनेस हो गई थी, इनको होश नहीं आ रही थी। तो फिर से इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की तो इनको टीम ने उत्साहित किया, और फिर उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री की एक सिस्टर की गवाही को इनको सेंड किया। और पहले हम उस गवाही के पोस्टर को स्क्रीन पर देखेंगे। और जैसे इन्होंने इस गवाही को इस सिस्टर ने रिसीव किया, क्योंकि इनको टीवी की प्रॉब्लम थी, तो जैसे इस सिस्टर ने विश्वास किया, रिसीव किया, तो इसकी जो रिपोर्ट्स थी सब नॉर्मल आई थी। तो इनको भी उत्साहित किया गया कि आप इस गवाही को सुने, विश्वास करें। तो जैसे इन्होंने भी इस गवाही को सुना, रिसीव किया, धन्यवाद दिया, तो जब इनको फिर डॉक्टर ने एक ही बॉटल इनको खून की लगाई, तो उसके बाद जब इनका फिर से डॉक्टर ने टेस्ट किया, तो जब उन्होंने रिपोर्ट्स की तो जो इनका एचपी था वो 9.5 हो गया। अभी हम उस स्पोर्ट्स को देखेंगे। तो जैसे कि हमने स्पोर्ट में देखा कि जो कि इनका एचपी सिर्फ 3.6 रह गया था, पर जैसे इन्होंने इस गवाही को रिसीव किया तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से जो इन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया, तो इनका एचपी 9.5 हो गया और नॉर्मल रिपोर्ट आई। और जब बता रहे कि फिर एक हफ्ते बाद इनको डिस्चार्ज मिल गया, और परमेश्वर ने जो इनकी पूरी बॉडी में जो प्रॉब्लम आ गई थी अचानक से, उससे परमेश्वर ने इनको आज़ाद कर दिया। और ये बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को इनके जीवन में प्रकट किया है। अब हम इस वीडियो को इस सिस्टर के मुख से भी स्क्रीन से सुनेंगे। मैं देखा बहुत ही ज्यादा ब्लड जा रहा है, नाल मांस के टुकड़े भी जा रहे सी। ते फिर मैं हालात ऐसे हो गए, जो पूरे रस्ते गड्डी विच भी ब्लड जाता रहा। हॉस्पिटल वालिया ने एक लै गए, दूजे लै गए, चार हॉस्पिटल लै गए, सब ने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने एडमिट किया ICU विच, फिर इन्होंने प्रार्थना कराई मेरे मेरे, फिर मैं थोड़ा आराम पिया। फिर उस तो बाद थोड़ा लैटिन दे विच ब्लड आया, उस तो बाद फिर प्रार्थना हुई है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हाँ। परमेश्वर की वजह परमेश्वर सब नू ठीक करे, सब नू सुख शांति दे। सच में जैसे हमने सिस्टर के मुख से सुना कि आज खुदावन परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है, इनकी सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, और अच्छे भले परमेश्वर ने इनको फिर से एक नए जीवन के साथ ब्लेस किया है। और हमने देखा कि आज इन्होंने अपने मुख से परमेश्वर की महिमा को बताया है कि कैसे खुदावन परमेश्वर ने इनको अच्छा किया। तो सच में कलीसिया, हम इस गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को उठाएंगे और तारीफ करेंगे कि जो परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आज आजाद किया है। जैसे इन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया इस गवाही को, अपना मन, अपना फेथ, अपना विश्वास दिया, तो सच में परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, और आज ये सिस्टर पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। आमीन। कितने लोगों को समझ आई कि सच में जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जब हम उसकी बात को समझते हैं। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी सिस्टर को, बोलो क्या है। जैसे मैं अभी मैं शुरू में बता रहा था कि यीशु मसीह का चोर आता, चोरी करे, घात करे, नाश करे, और मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए जो मेरे बातों का, मेरे वचनों जो मैं कहता हूँ उसका विश्वास करे। तो ये सिस्टर अचानक से कोई प्रॉब्लम नहीं, भले चंगे शाम को खाना खाकर ये लेट गए, अचानक से खून की उल्टियां आनी शुरू हुई। कोई कुछ नहीं बॉडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एकदम से खून की उल्टियां आनी शुरू होगी। बोलो क्या आनी? खून की उल्टियां आनी शुरू होगी और अंदर से खून के साथ मांस के टुकड़े पीसेस जिसे हम बुटियां बोलते हैं वो आनियां शुरू हो जी। हॉस्पिटल ले गए, बोले गए तो जब हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या बताया, क्या डॉक्टरों ने कहा लीवर में क्या हो गया था? डॉक्टर ने बताया कि इनके लीवर में स्वेलिंग हो गई है और जो लीवर के पास छोटी छोटी नाड़ियां हैं वो फट गई है। हाँ देखो, एकदम से लीवर में स्वेलिंग मतलब सोज आ गई और जो लीवर के पास छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं वो फट गई हैं, जिसके कारण इन्हें ब्लड की खून की उल्टियां आ रही और अंदर खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े पीसेस आ रहे, समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा कि ये इनकी जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है और हमारे हॉस्पिटल में इसकी इतनी सुविधा नहीं, आप किसी और हॉस्पिटल में लें। बोलो क्या लेंगे? किसी और में ले जाओ। बोलो क्या है? फिर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। बोलो क्या है? टीम ने इन्हें उत्साहित किया, बताया, जीवित परमेश्वर आगे प्रार्थना की और वो चीज तो खून की उल्टियां आनी बंद हो गई, पर एकदम से फिर टॉयलेट पार्ट के जरिए क्या था, खून आना शुरू हो गया बहुत सारा, जिसके कारण पहले खून भी इन्हें चढ़ाया था, शे बॉटल खून चढ़ाया, पर शैतान ने फिर से पहले मुंह से फिर टॉयलेट पार्ट से वो भी निकाल दिया। अब समझ नहीं आ रही इन्हें, अब फिर कह रही है, कॉल आ रही है, फिर से क्या बताओ, फिर से प्रार्थना करो, समझ आ रही है? तो क्या हुआ कि अब टीम ने उत्साहित किया, फिर से एक टेस्टामनी, एक सिस्टर की, एक बेटी की गवाही थी टीवी की, उन्होंने सेंड की कि कैसे परमेश्वर ने उसकी टीवी की रिपोर्ट्स को नॉर्मल लेकर आया। इस गवाही को सुनो, डरो नहीं। बोलो क्या है? डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने उस गवाही को सुना और विश्वास की, मैं क्यों कहता हूं गवाही एक जीवित वचन, कहता हूं समझ आ रही है। अब सिर्फ उन्होंने पहले प्रेयर भी हुई, एक बार नहीं दो बारी प्रेयर हुई ना, दो बार प्रेयर हुई जी। पर विश्वास नहीं बन रहा था, प्रॉब्लम जा नहीं रही थी, पर जैसे ही फिर से ऐसे परमेश्वर की महिमा के काम को दिखाया गया, किसी की गवाही को सेंड किया, इसी मिनिस्ट्री की गवाही को सेंड किया कि ये देखो सुनो कैसे इस बच्ची को, इस सिस्टर को परमेश्वर ने क्या किया, इस टीवी की प्रॉब्लम से उसे कैसे छुटकारा दिया, कैसे उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जैसे उसकी गवाही को सुना, विश्वास किया कि हमारी रिपोर्ट्स भी क्या है, नॉर्मल आ चुकी, बस जैसे उस गवाही को सुनकर खुदावंद के ऊपर विश्वास किया, बोलो क्या किया, और जब दोबारा रिपोर्ट कराई, फिर उसके बाद एक ही बोतल खून की चढ़ाई ना जी, सिर्फ एक ही बोतल, पर उसके बाद जब गवाही सेंड की और सुनी और उसके बाद जब रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट नॉर्मल आई, जो खून पहले 3.6 था, बोलो क्या, 3.6, और जैसे गवाही को सुना, क्योंकि सारा खून तो जो शेप बॉटल पहले चढ़ाई थी उन्हें, वो सारी तो टॉयलेट पार्ट के राही बाहर निकल गई, अब एक ही चढ़ाई है। पर जीवित परमेश्वर की जो सामर्थ है, जब हम उसका विश्वास करते, अब एक ही बॉटल चढ़ाने से उसका खून क्या हो गया, 9.5 हो गया और रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज में लग गया, घर चले गए। अभी आपने इनके मुंह से सुना है, समझ आ रही है? देखो, विश्वास करो, वो जीवित परमेश्वर। बोलो क्या है? लोग नहीं जानते इस दुनिया में, वो समझते नहीं हमारा नियम है, साइयों का है, वो धर्म का, वो जी ऐसा है, जी वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जीसस लोगों को पाप से बचाने के लिए आया, दुखों से छुड़ाने के लिए, समझ आ रही है? इसलिए बाइबल में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख, पर उथार पाने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसी सामर्थ ने आज
उस सिस्टर की जो सांस है आज परमेश्वर ने उसे फिर से नया जीवन दे दिया है, नहीं तो जितनी प्रॉब्लम हो गई थी। अब एक पॉइंट नोट करो, वो तो बोल रहे थे कि लीवर की, हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि नाड़ियां छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक नाड़ियां होती वो फट गई। अब पॉइंट नोट करो, वो तो फट गई पर प्रार्थना के जरिए, उस गवाही को सुनने के जरिए वो जो फटी नाड़ियां हैं वो कैसे सही होगी? क्योंकि फटी चीज को क्या अंदर से कोई टांके थोड़ी ना लगाता, वो तो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक। ये सारा कुछ किसने किया? बोलो, ये सारा कुछ किसने किया है? जोर से अपने हाथों को उठाकर खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करो। ये छोटी गवाही भी है। नेचा के नहीं पहाड़ खल हो सकदा, नेचा के नहीं पहाड़ खल हो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, ते सब कुछ हो सकदा, ते सब कुछ हो सकदा, हालेलुया, सब कुछ हो सकदा, ते सब कुछ हो सकदा।